नवरात्र पर्व को शुरू हुए पूरे 4 दिन हो चुके हैं और 5वां दिन माता स्कंद माता की पूजा होगी। नवरात्र के 9 दिन दुर्गा माँ के भक्तों के लिए अपने 9 ग्रह को शांत करने का सबसे इम्पॉर्टेंट मौका होता है और 5वें दिन हम स्कंद माता की पूजा करते हैं। वात्सल्य की प्रतिमूर्ति माँ स्कंद माता भगवान स्कंद को गोदी में लिए हुए हैं और इनका यह रूप साफ जाहिर करता है कि ये ममता की देवी है, अपने भक्तों को अपने बच्चों के समान समझती है। साथ ही माँ स्कंद माता की पूजा करने से भगवान स्कंद की पूजा स्वतः हो जाती है। नवरात्र पर्व में व्रत रखने के अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है वह है माँ की पूजा अर्चना, उनकी आराधना, उनके अलग अलग रूपों की पूजा करना, उनको अलग अलग भोग कर रखना, उनका ध्यान मंत्र आदि करना। 5वें दिन मैं आपको बता दूं आपको कैसे पूजा विधि क्या है। सबसे पहले कैसे पूजा करनी है, स्कंद माता की उपासना से मन के सारी कुंठा, जीवन कलह और द्वेष भाव समाप्त हो जाते हैं। मृत्यु लोक में ही स्वर्ग की भांति परम शांति एवं सुख का अनुभव होता है। साधना के पूर्ण होने पर मोक्ष का मार्ग स्वतः ही खुल जाता है। सबसे पहले माँ स्कंद माता की मूर्ति या तस्वीर को लकड़ी की चौकी पर पीले वस्त्र बिछाकर उस पर कुमकुम से ओम लिखकर स्थापित करना है। मनोकामना की पूर्णता के लिए चौकी पर मनोकामना गुटिका आप रख सकते हैं और हाथ में पीले पुष्प लेकर स्कंद माता के दिव्य ज्योति स्वरूप का ध्यान करना है। ध्यान के बाद हाथ के पुष्प को चौकी पर छोड़ देना है। इसके बाद यंत्र तथा मनोकामना गुटिका सहित माँ का पंचोपचार विधि द्वारा पूजन करना है। पीले नैवेद्य का भोग लगाना है, स्पेशली केले का भोग उनके लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। इसके बाद माँ के श्री चरणों में प्रार्थना कर आरती पुष्पांजलि समर्पित करना है तथा भजन कीर्तन कर सकते हैं। माता स्कंद माता को जो भोग लगाना है वो है केले का भोग और फिर ये प्रसाद थोड़ा सा ब्राह्मण चाहिए, ऐसे मनुष्य की बुद्धि का विकास होता है। तो चलिए माता की कथा आप सबको सुना दूं, ध्यान से सुन जाएं, ध्यान मुद्रा में बैठ जाएं सारे लोग, ध्यान करेंगे पहले माँ का। सिंहासन गता नित्यम पद्माश्रित कर द्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। माँ दुर्गा जी के 5वें स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। ये भगवान स्कंद कुमार कार्तिकेय के नाम भी जाने जाते हैं। ये प्रसिद्ध देवासुर संग्राम में देवताओं के सेनापति बने थे। पुराणों में इन्हें कुमार और शक्तिधर कहकर इनकी महिमा का वर्णन किया गया है। इनका वाहन मयूर है, अतः इन्हें मयूर वाहन के नाम से भी अभिहित किया गया है। इन्हीं भगवान स्कंद की माता होने के कारण माँ दुर्गा जी के इस 5वें स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। इनकी उपासना नवरात्रि पूजा के 5वें दिन की जाती है। इस दिन साधक का मन विशुद्ध चक्र में अवस्थित होता है। इनके विग्रह में भगवान स्कंद जी बाल रूप में इनकी गोद में बैठे। स्कंद माता स्वरूपिणी देवी की 4 भुजाएं हैं। ये दाहिनी तरफ की ऊपर वाली भुजा में भगवान स्कंद को गोद में पकड़े हुए हैं और दाहिनी तरफ की नीचे वाली भुजा की जो ऊपर की ओर उठी हुई है उसमें कमल पुष्प धारण किए हुए हैं। बाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा वर मुद्रा में तथा नीचे वाली भुजा जो ऊपर की ओर उठी है उसमें भी कमल पुष्प ली हुई है। इनका वर्ण पूर्णतः शुभ्र है। ये कमल के आसन पर विराजमान रहते हैं, इसी कारण इन्हें पद्मास्मा देवी भी कहा जाता है। सिंह ही इनका भी वाहन है। नवरात्र पूजन के 5वें दिन शास्त्रों में पुष्कल महत्व बताया गया है। इस चक्र में अवस्थित मन वाले साधक को समस्त भाव का लोप हो जाता है, वह विशुद्ध चैतन्य स्वरूप की ओर से अग्रसर हो रहा होता है। उसका मन समस्त लौकिक सांसारिक माइक बंधनों से उन्मुक्त होकर पद्मासना माँ स्कंद माता के स्वरूप में पूर्णतः तल्लीन होता है। इस समय साधक को पूर्ण सावधानी के साथ उपासना की ओर अग्रसर होना चाहिए। उसने अपनी समस्त ध्यान वृत्तियों को एकाग्र रखते हुए साधना के पथ पर आगे बढ़ना चाहिए। माँ स्कंद माता की उपासना से भक्त की समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाती है।
इस मृत्यु लोक में ही उसे परम शांति और सुख का अनुभव होने लगता है। उसके लिए मोक्ष का द्वार स्वयमेव सुलभ हो जाता है। स्कंद माता की उपासना से बाल स्वरूप स्कंद भगवान की उपासना भी स्वयमेव हो जाती है। यह विशेषता केवल इन्हीं को प्राप्त है, अतः साधक को स्कंद माता की उपासना की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इनका उपासक अलौकिक तेज एवं कांति संपन्न हो जाता है। एक अलौकिक प्रभा मंडल अदृश्य भाव से सदैव उसके चतुर्दिक परिव्याप्त रहता है। यह प्रभा मंडल प्रतिक्षण उसके योग क्षेम का निर्वहन करता है। अतः हमें एकाग्र भाव से मन को पवित्र रखकर माँ की शरण में आने का प्रयत्न करना चाहिए। इस घोर भव सागर के दुखों से मुक्ति पाकर मोक्ष का मार्ग सुलभ बनाने का इससे उत्तम उपाय दूसरा नहीं है। बोलिए स्कंद माता की जय। माँ की उपासना का मंत्र आपको पता होगा, सिंहासन गता नित्यम पद्माश्रित कर दया शुभ दास तू सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। तो चलिए बता दूं आपको कौन से उपाय करने हैं स्कंद माता के। जो लोग दारिद्र का दुख भोग रहे हैं उनको ये मंत्र जो मैं बताने जा रही हूँ उसका जाप करना है। नवरात्र में 11, 21 या 51 माला का नित्य जप कर मंत्र सिद्ध करना है। उसके बाद एक माला जप करके दारिद्र को छू दें। आवश्यकता है श्रद्धा और विश्वास की। अगर ऐसा करेंगे तो आपकी सारी दरिद्रता जरूर दूर हो जाएगी। ओम एम श्रीं नमः दुर्गे स्मृता हर्षि भीतिम शेष जंतो स्वस्ते स्मृता मतिमति वशुभाम ददासी दारिद्रय दुखभयहारिणी का त्वदन्या सर्वाप उपकार करणाय सदार्द्रचित्ता नमो श्रीं। संतान की प्राप्ति करना चाहते हैं, संतान पाने में उनको प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, उनके लिए एक मंत्र बताती हूँ। बहुत ही अचूक उपाय है, बहुत ही ममतामयी देवी का उपाय है ये। आपको पंचमी तिथि को स्कंद माता का ही दिन है, अधिष्ठात्री देवी पंचमी की स्कंद माता है। और जिन व्यक्तियों संतान का अभाव हो वे माता की पूजन अर्चन तथा मंत्र जाप करके लाभ उठा सकते हैं। बहुत ही सरल सा मंत्र है और वो है ओम स्कंद मात्रे नमः। इस मंत्र का आपको जाप करना है 11, 21 या 51 जाप। और एक फिर संतान गोपाल का पाठ आप पूरा कर ले पुनराहुति पर, आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा। होम द्रव्य में होम करना है आपको। एक छोटा सा ये पाठ पूरा होने के बाद बेलपत्र ले लीजिए, बेल फल ले लीजिए, कनेर ले लीजिए, पुष्प ले लीजिए, कमल ले लीजिए। जो व्यक्ति बेरोजगार हो या कार्य मन के हिसाब से ना हो, चाहते हैं कि बढ़ोतरी हो, वो भी इस मंत्र का जाप करके अपनी मनोकामना को सकते हैं। ओम लिंग कार्यम सिद्धिम ओम नमः। ये मंत्र का भी आपको 108 मंत्र की एक माला होती है, 11, 21, 51 माला आप जितनी कर सके उतनी आपको करनी है। जिन कन्याओं को इच्छित विवाह नहीं हो रहा है, अपने मनपसंद लड़के के साथ शादी नहीं हो रही है, उनको मंत्र का जाप करना है। ओम रिंग योगिनी योगिनी योगेश्वरी योगेश्वरी योग भयंकर स्थावरस्य मुखम हृदम मम वश्याकर्षय आकर्षय स्वाहा। अपने मनपसंद व्यक्ति से विवाह करने के लिए है ये। रात को 10 से 20 तक लगातार करना है ये। ओम क्लिंग विवाह सिद्धिं ओम ते नमः। हवन की जो भी सामग्री है उसमें आपको थोड़ा सा नमक भी ध्यान से मिला लेना है। अगर किसी स्त्री के पत्री में वैधव्य का योग हो या उनके पति की पत्रिका में कम उम्र का अंदेशा हो, तो वो मैं जो माला बताने जा रही हूँ उसकी 11 तथा 21 माला नीचे जो बता रही हूँ मंत्र, उसमें स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, वो मंत्र की 1+1 दो माला आपको करनी है आगे पीछे।
देवी का पूजन रक्त पुष्प से करना है। ओम ओम रिंग ओम क्रिंग रिंग ओम स्वाहा, इसकी 11 माला करनी है। उसके बाद ये माला आगे पीछे करनी है। देही सौभाग्यम आरोग्यम, देही में परमम सुखम, रूपम देही जयम देही यशो देही दिशो जही। इस मंत्र का आपको जाप करना है। आपको बहुत सारे उपाय बताए हैं माता स्कंद माता के। माँ स्कंद माता आप सभी की रक्षा करें, आपका घर परिवार भरा रहे, सबको संतान सुख की प्राप्ति। और घर में माता को मना लीजिए, अपने घर ले आइए, सारी खुशियाँ आपके घर में वास करने वाली हैं। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल, जय माता दी।